ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਵਾਕਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੀ ਭਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਫੁਕੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਇਲਰ ਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਬਾਇਲਰ ਕੋਮੋ So welcome back to my channel guys and another vlog guys. तो आ गए हैं भाई फिर एक नए vlog के साथ और एक नए दिन के साथ. तो अगर पुराना vlog नहीं देखा तो I button में link show हो रहा है भाई, तो पुराना vlog जाके watch कर सकते हो. तो काफ़ी भाई beaches वगैरह हमने explore किए और walking seat भी गए थे, Patong walking seat जो कि Phuket के अंदर है. तो आज भाई जा रहे हैं कोई दूसरी एक्टिविटी करने. तो यहाँ पर एक शायद शूटिंग रेंज है और मैं और मेरे भाई अमित भाई हम जा रहे हैं शूटिंग रेंज में. तो इसका मुझे सजेस्ट किया था मेरे निखिल शर्मा भाई ने जो कि अभी इंडिया में है. तो थैंक यू सो मच भाजी. तो अभी मैं जा रहा हूँ वो वाली जगह पे, तो चलते हैं यार वो वाली जगह पे और दिखाते हैं आपको शूटिंग रेंज का माहौल. तो अभी हमारा ड्राइवर आ रहा है पिकअप करने में, उसके बाद चलेंगे सीधा अपना शूटिंग रेंज, फिर और भी कोई जगह दिखाते हैं. और बड़े रहो वीडियो के साथ, पूरी वीडियो एंड तक देखना. तो फाइनली भाई हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, तो चलते हैं यार बेस्ट वाले शूटिंग रेंज में. यहाँ पर काफ़ी शूटिंग रेंज है. How many Phuket have shooting range? How many? I mean places. The place? Yeah. How many places? Yeah. How many places? Too many. Too many, right? Yes. तो काफी जगह पे shooting range हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग जगह हैं. देखते हैं कहाँ लेके जाता है. So you bring us to good one, okay? Okay. अमित भाई हमारी शूटिंग कर रहे हैं पीछे. तो यहाँ पर भाई काफ़ी तरह की गन है और AK-47 भी है यहाँ पर और ग्लॉक भी है देख सकते हो. और ये मैंने शॉर्ट गन अभी ली है, तो इसके बाद शायद मैं ग्लॉक चलाऊंगा. देखते हैं भाई इसका जो नाम है काथू शूटिंग रेंज है, तो काथू. तो भाई हमने एक शॉर्ट गन ली है और एक 90 mm और आ गई है हमारी भाई बुलेट्स. क्या बात है देख सकते हो, बुलेट्स दागते हैं भी गन में, गन भी आ रही है यहाँ पर. तो भाई अपना इसके बाद आए हैं हम शॉर्ट गन चलाने. तो भाई अभी बुलेट रीलोड कर रहा है हमारे लिए. क्या बात है ये देख सकते हो यार, ये वाले बुलेट है, नाली वाले बुलेट है ये वाले. तो क्या बात है. और ये मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा चीप है यहाँ पर. सिर्फ जो हमारे चार्जेस लगे वो लगे 2400 बाड़. तीन गन थी भाई, तीन गन चलाई हमने. तो बढ़िया यार मज़ा आ गया ये वाला. अभी शॉर्ट गन चलाते हैं, दिखाते हैं आपको. तो जब शॉर्ट गन फायर करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है. और दोनों को जब फायर करते हैं बहुत मजा आता है, समझ रहे हो भैया. फाइनली भाई राउंड हो गए हैं हमारे कंप्लीट. तो शॉर्ट गन के हमको 10 राउंड मिले थे, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेटें मैंने उड़ा दी थी. और उसके बाद उसके पहले हमने चलाया था जो कि मैंने पिस्टल चलाया था, उसके भाई तीन मैंने देखो भाई यहाँ पर होल किए हैं. तो भाई का जो निशाना है वो चूकता नहीं है देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल पास है. तो यार बहुत मज़ा आया यहाँ पर. तो हमने यार अपना मेरा ड्राइवर छोड़ गया था यहाँ पर हमको, मैंने उसको बोला कि यार मेरे को स्ट्रीट में उतारो क्योंकि मैंने यहाँ का माहौल दिखाना थोड़ा सा आपको, जो कि Phuket के अंदर थोड़े थोड़े स्ट्रीट है छोटे छोटे देख सकते हो. यहाँ पर एक छोटा सा बार बना हुआ है और दिखाता हूँ माहौल. पहले मास्क डाल लेते हैं, तो मास्क बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पर.
तो कोई नहीं, हम थोड़ा बहुत घूमते हैं ना भाजी। और कैसा लग रहा है आपको फुकेट? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो भाई भी पूरा इंजॉय कर रहे हैं और मच्छर भी बहुत है यहाँ पर, क्योंकि मच्छर और यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपना अपने होटल में वापस, देख सकते हो पातोंग बे रेसिडेंस। तो ये थोड़ा सा माउंटेन एरिया है भाई, ऊंचे नीचे है, मतलब अगर आप जाओगे यहाँ पर कोई भी रोड पे जाओगे तो माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ये माउंटेन के ऊपर ये सारा पहाड़ी इलाका है ये वाला। और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाला स्कूटर चलाऊँ, तो इसका नाम है बीम। तो आप ले सकते हो आराम से ये वाला बीम स्कूटर। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 3 अवेलेबल हैं, तो मैं शायद अभी पहले रूम में चलता हूँ, रूम से वापस आऊँगा कपड़े चेंज करके, आउटफिट चेंज करके, और उसके बाद ये स्कूटर चलाते हैं, थोड़ा सा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। भाई अपना होटल की रिसेप्शन पे मैंने पूछा कि भाई आप कैसे, मतलब ये स्कूटर कैसे ले सकते हैं हम, तो इन्होंने मुझे बताया कि यार ये वाला जो स्कूटर है आपको मतलब इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये भाई जितने मिनट हम चलाएंगे उतना ही हमको चार्ज पड़ेगा, मिनट के हिसाब से चार्ज पड़ेगा हमको। 15 मिनट इन्होंने फ्री राइड दी हमको। चलो ठीक है, चलते हैं यार, और आपको एक सेकंड में मिलते हैं वापस। तो आ गए हैं एक सेकंड में। तो अभी ऐसे है कि भाई हमने ये वाला जो स्कूटर है ये ऑन कर चुके हैं, तो इसके अंदर भाई कार्ड वगैरह लगाना पड़ता है। तो अभी मैंने देख सकते हो ये मैंने अपना मोबाइल अटैच कर दिया इसके साथ, और इसको हम पार्किंग है इसकी, यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ लैंडिंग पैड। तो यहाँ पर मैप बना हुआ है, मैप को फॉलो करके मैं कहीं भी पार कर सकता हूँ। चलते हैं यार, थोड़ा सा एडवेंचर है ये भी, तो चलते हैं भाई, निकलते हैं। तो भाई ये वाला जो स्कूटर है बड़ा मजेदार है यार, मतलब कि ये चलाने का अलग ही मतलब मजा है इस यहाँ पर, बट ये कंफर्टेबल नहीं है, हाथ में कैमरा नहीं पकड़ सकता मैं। तो मैंने किसी के हाथ में पकड़ाया था, मैंने कहा भाई वीडियो बना दे यार मेरी। तो अपना अभी हम जा रहे हैं बंगला स्ट्रीट के पास, तो पहले कुछ खा लेंगे यार, भूख लगी यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग गई है। तो यहाँ पर माहौल देख सकते हो यार, मतलब बहुत नाइस माहौल बना हुआ है। तो यार पहुँच चुके हैं अपना, ये मैंने पार्क कर दिया, यहाँ पर पार्किंग प्लेस बना हुआ था ये यहाँ पर, और ये पतोंग जो बीच है वॉकिंग स्ट्रीट के पास, और बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं। अभी सिर्फ 10 बजे हैं रात के, तो चलते हैं यार वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर और दिखाते हैं आपको माहौल वॉकिंग स्ट्रीट का। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं अपना बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट, पतोंग बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। तो मेरे पीछे देख सकते हो यार काफ़ी क्राउड है यार आज। और एक और चीज़ बताना चाहता हूं, अगर भाई यहां से आपने कोई आइलैंड का टूर लेना है, जैसे पीपी आइलैंड हो गया, यहां हो गया मतलब जेम्स बॉन्ड आइलैंड, या और भी काफ़ी आइलैंड से आप अगर टूर लेना चाहते हो, तो यहां पर काफ़ी आपको शॉप्स मिल जाएंगी जहां पर आपको टूर मिल जाएगा। तो आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो और अपना टूर ले सकते हो। और भाई यहां पर ऐसे है कि अगर आपने पूरा एक्सप्लोर करना है फुकेट, तो आपको भाई कम से कम 10 दिन यहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप 3-4 दिन में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और यहां पर भाई नाइट लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, और बट यहां पर भी नाइट लाइफ सिर्फ 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद यहां पर बार्स और क्लब्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो आज ट्राई करते हैं, आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं, देखते हैं भाई कोई जगह पे जाके आपको दिखाते हैं। तो यार एक और चीज़ पता चली मुझे, यहाँ पर आज है 16 फेब, तो आज यार बिग बुड्ढा डे है यहाँ पर, तो आज यहाँ पर बार्स बंद है, तो फिर भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर देख सकते हो। सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले हैं जहाँ पर खाना वाना मिलता है, जो वॉकिंग सीट के अंदर रेस्टोरेंट है यहाँ पर रेस्टोरेंट खुले हैं। तो अगर मेरी पुरानी वॉकिंग सीट वाली वीडियो नहीं देखी, तो भाई आई बटन में लिंक शो होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो यार मैं रास्ते में जा रहा था, तो यार एक मेरे पंजाबी भाई मिले हैं मुझे। और भाजी क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और सुनाओ ठीक ठाक हो? पक्का यार, फर्स्ट क्लास। क्या बात है। तो यार पाजी मिले हैं, पाजी की शॉप है वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर, तो पाजी की टैटू शॉप है। तो यार दिखाता हूँ आपको मैं, देख सकते हो ये है इंक सिटी टैटू स्टूडियो। तो पाजी है टैटू आर्टिस्ट। क्या बात है, आ जा पंजाब तो जिन्हें भी आएंगे स्पेशल प्राइस, कम टू बांग्ला रोड, इतने जिन्हें मर्जी वेले आओ, इतने मैं थोड़ा देखभाल करांगा, टैटू जरा भी तुम्हें चाहिए होगा दसो। नाम भाई? बीबा।
बीबा, तो भाई भाई का नाम है बीबा, तो पाजी पंजाबी है एक्चुअली, तो पाजी यहाँ पर ही मतलब बॉर्न है यहाँ के ना, तो कभी भी आओ फुकेट में बांग्ला स्ट्रीट और भाई आपको मिलेंगे, भाई की शॉप है देख सकते हो मेरे पीछे, इंक सिटी तो साथ में है अपना क्या कहते हैं फार्मेसी है साथ में, आपको पता ही फार्मेसी तो चाहिए बापू जी को। अबे साले बार फंक के सामने ये चीज दे थोड़ा ओके तो भाई लग जाएगा। बार फंक है पीछे, बहुत बड़ा मतलब बार है ये, तो अभी आज मेरे को पता लगा कि आज बुड्ढा डे है, बिग बुड्ढा डे, उसकी वजह से बंद है। तो ठीक है भाई, अपना भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो कभी भी आओ, अगर जदों मर्जी आओ पंजाबी में। अगर किसी ने टैटू भी बनवाना हो फुकेट के अंदर तो भाई के पास आके मिल सकते हो, टैटू बनवा सकते हो बिल्कुल। और वॉकिंग स्ट्रीट में आज सब कुछ बंद है, फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग फिर भी यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं, देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पर लड़कियाँ भी बहुत हैं और चाचे भी बहुत हैं उनके, उनसे बच के। भाई एक्चुअली मैं आया था वॉकिंग सीट में, तो वैसे तो मैं क्लबिंग क्लब वगैरह दिखाने आया था आप भाइयों को, तो बट क्लब तो भाई अभी बंद है, लीजन क्लब है मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी भाई पूछते हैं यार ये क्लब सबसे बड़ा क्लब है यहाँ पर इंटरनेशनल, और बहुत शानदार क्लब है ये वाला, और इसके सामने ही बिल्कुल टाइगर नाइट क्लब है, और अभी छोटे मोटे थोड़े थोड़े बार खुले हुए हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह है जो खाना सर्व करते हैं यहाँ पर, और भाई यहाँ पर बहुत लोग हैं, काफ़ी मतलब भीड़ है यार यहाँ पर एकदम। और चलते हैं यार, मेरे फ्रेंड अमित भाई अभी बीच पे हैं, उनको मिलना है मुझे जाके, यहाँ से चलते हैं वापस और उनको मिलते हैं। तो आ गए हैं भाई चल के भाई के पास, तो भाई ने हमारे लिए खाना ऑर्डर किया है, अभी खा गए हैं एक्चुअली हम, तो फिर से भूख लग गई यार हमको, ये देख सकते हो बंगला वॉकिंग सीट के पास काफी रेस्टोरेंट है यार, आपको मिल जाएगी इजीली। क्यों भाई क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? इसका इंडियन फ्लेम है, इसका इंडियन फ्लेम है इसका। तो मैं तो भाई की फॉलो कर करके आ गया, लोकेशन भाई ने भेजी थी मुझे, तो खाते यार अपना खाना, भूख लग गई है जबरदस्त वाली यार। तो जैसे यार अपना आ गए हैं बाहर यार अपना खाना वाना खा के, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ा चल के, यहाँ पर काफ़ी मसाज शॉप्स हैं बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के पास, और मेरे को लग रहा है बारिश आने वाली है, क्योंकि यार कल हो गई थी बारिश, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको पता चल जाएगा बारिश हो गई थी, फिर भी बहुत क्राउड था कल। और यहाँ पर कोरियन रेस्टोरेंट्स और मैकडोनल्ड्स, और आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, तो बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही है ये, फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही है, जैसे पतिया में है मैकडोनल्ड्स वगैरह ऑन द बीच, तो यहाँ पर भी सेम ही है, बट ये थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पर, और यहाँ के लोग और यहाँ मतलब ज़्यादा अंग्रेज़ लोग रशियन लोग हैं यहाँ पर, फॉरनर लोग हैं यहाँ ज़्यादा यहाँ पर, और बहुत एडवांस है यार फुकेट। और वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल पास ही भाई इमिग्रेशन है, देख सकते हो पीछे फुकेट इमिग्रेशन है ये वाली, तो बिल्कुल नज़दीक ही है ये, मतलब छोटा सा इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है इमिग्रेशन का, यहाँ से वैसे वीज़ा वगैरह एक्सटेंड, तो यहाँ से वीज़ा वगैरह एक्सटेंड होते हैं, तो अभी ऐसे है कि मैं जा रहा हूँ भाई वो वाली बाइक लेने वापस, तो मैं लोकेशन देख के अभी वो वाली बाइक लूँगा, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो आई होप कि यार आज का व्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा है तो भाई लाइक ठोक देना, कमेंट ठोक देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं वो अब धीरे धीरे करेंगे, वो 3-4 दिन में पूरी नहीं होने वाली, कम से कम मेरे को 15-20 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा वो एक्टिविटीज़ पूरी करने के लिए। तो ठीक है भाई, ये वाले व्लॉग का यहाँ ही एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। Agarro tu cuerpo, nunca lo suelto Encima de mi baby siempre te siento Siempre te siento